हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द एंगुलर इन हिंदी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट्स क्या होते हैं एंगुलर के अंदर। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिक यूआई बिल्डिंग ब्लॉक है एंगुलर ऐप के, ठीक है। इसके बिना कुछ काम ही नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ भी आपको फंक्शनैलिटी लगानी है, कोई भी मॉड्यूल बनाना है, सपोज मान लो कि आपने यूजर्स का मॉड्यूल बनाना है, कस्टमर्स का मॉड्यूल बनाना है, उसके बाद टू डू का मॉड्यूल बनाना है, तो वो एक आप हर एक को क्या बनाओगे एज अ कॉम्पोनेंट ट्रीट करोगे। और उसके अंदर क्या होगा, आपकी एच टी एम एल फाइल होगी, एक सी एस एस फाइल होगी और एक कॉम्पोनेंट फाइल होगी जिसके अंदर सारा लॉजिक लिखा होगा। एच टी एम एल सारा का सारा एच टी एम एल होगा, सी एस एस आप उसकी वहीं पर लिखोगे, ठीक है। एंगुलर कॉम्पोनेंट्स आर द सबसेट ऑफ डायरेक्टिव ऑलवेज एसोसिएटेड विद द टेम्पलेट, ठीक है। जब जो कोई भी एंगुलर कॉम्पोनेंट है वो हमेशा सबसेट है डायरेक्टिव का और हमेशा एक टेम्पलेट के साथ लिंक होगा। जब भी आप कोड लिखोगे किसी फाइल में, लॉजिक लिखोगे, उसके साथ एक एचटीएमएल टेम्पलेट जहां पे वो सब चीज रेंडर होगी वो लिंक्ड होती है। अनलाइक द अदर डायरेक्टिव्स, ओनली वन कंपोनेंट कैन बी इंस्टेंशिएटेड फॉर अ गिवन एलिमेंट इन अ टेम्पलेट। एक एलिमेंट जो है आपका टेम्पलेट का, उसके साथ एक ही कॉम्पोनेंट क्या होगा इंस्टेंस ऐड करेगा, मतलब जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप 10 कॉम्पोनेंट एक ही फाइल में बना दो, ठीक है। अ कंपोनेंट मस्ट बिलोंग टू अ एनजी मॉड्यूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने मान लो कंपोनेंट बना दिया, ठीक है, अगर आपने एनजी मॉड्यूल के अंदर उसको रजिस्टर नहीं किया तो वो बाकी कंपोनेंट के लिए अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। वो मैं बताता हूँ कि एनजी मॉड्यूल में किस तरीके से रजिस्टर करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स आर द मोस्ट बेसिक यूआई बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एंगुलर ऐप एंड ऐप कंटेन्स थ्री ऑफ एंगुलर कंपोनेंट्स। उसमें तीन तरह के होंगे कंपोनेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होगा हमारे पास एक कंपोनेंट और टी एस वाली फाइल होगी हमारे पास। अ कंपोनेंट मस्ट बिलोंग टू एनजी मॉड्यूल इन ऑर्डर टू फॉर अवेलेबल फॉर द अनदर कंपोनेंट, ठीक है। एक होगा हमारे पास टेम्पलेट, एक होगी स्टाइल, एक होगी हमारे पास एच टी एम एल, ठीक है। तो जैसे कि मैं सपोज एग्जाम्पल लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक कॉम्पोनेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक नया कॉम्पोनेंट बनाना चाहूँ आपके अंदर, ठीक है, यहाँ पे सपोज मान लो कि नया फोल्डर बनाया मैंने, एक नया फोल्डर किस चीज का बनाऊँ, टू डू का बनाता हूँ नया फोल्डर, ठीक है। टू डूज का मैंने बना दिया यहाँ पे फोल्डर, ठीक है। टू डूज के अंदर मेरी तीन फाइलें होती हैं, एक होगी मेरे पास टू डू डॉट कॉम्पोनेंट डॉट सी एस एस। अगर मैं न्यू फाइल यहाँ पे बनाऊँ टू डू डॉट कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट डॉट सी एस एस, एक होगी हमारे पास सी एस एस, ठीक है। इसके अंदर एक और फाइल हमारी बनेगी जिसका नाम होगा टू डूज डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल, ठीक है, एक ये फाइल होगी। उसके बाद एक यही हमारी टेस्ट फाइल होती है, आपको बनानी है बनाओ, नहीं बनानी है मत बनाओ, ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद लास्ट फाइल है जो हम बनाएंगे यहाँ पे, टू डूज डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस, ठीक है। ये तीन फाइल्स जो है मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है। कंपोनेंट डॉट सी एस एस में, इसमें हमारे पास सी एस एस आएगी, इसमें सारी हमारी एच टी एम एल आएगी, इसमें हमारा लॉजिक आएगा, ठीक है। वो मैं बताता हूँ किस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे कॉम्पोनेंट फ्रॉम द मॉड्यूल एंगुलर कोर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, इम्पोर्ट कर दिया एंगुलर कोर से मॉड्यूल। उसके बाद कंपोनेंट डेकोरेटर हैज अ सिलेक्टर क्वेरी। अब जो हमारे पास ये हमारे पास डेकोरेटर है कंपोनेंट का, हैज अ सिलेक्टर प्रॉपर्टी दैट डिफाइंस एचटीएमएल टैग। ये हमें डिफाइन करेगा कौन सा एचटीएमएल टैग लेना है आपने, कौन सा स्टाइल लेना है, ठीक है, टू इंसर्ट द कंपोनेंट इनटू द डोम, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट डेकोरेटर है ये हमें ये बताता है कि हैज द सिलेक्टर प्रॉपर्टी दैट डिफाइंस द एचटीएमएल टैग यूज टू इंसर्ट द कंपोनेंट इनटू द डोम। कौन सा एलिमेंट एचटीएमएल टैग है जो कि हमने इंसर्ट करना है डोम में, ठीक है। तो जो टेम्पलेट यूआरएल है हमारे पास ये वाला स्पेसिफाई करता है कि हमारा एचटीएमएल का टेम्पलेट पड़ा कहाँ पर है, ठीक है। और स्टाइल यूआरएल ये बताता है कि हमारी कंपोनेंट की स्टाइल शीट कहाँ पड़ी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कंपोनेंट डेकोरेटर, जिसके अंदर हमारे पास है सिलेक्टर, टेम्पलेट यूआरएल्स और स्टाइल यूआरएल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोर्ट, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को क्या करना है, हमने एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, ठीक है, सब कुछ करेक्ट है। इस कंपोनेंट का नाम क्या है हमारे पास, टू डू कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टू डू कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट, ठीक है। ये मैंने टू डू कंपोनेंट यूज कर लिया। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल डॉट एच टी एम एल दिया, जबकि मेरे पास क्या है यहाँ पे, टू डूज कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं टू डूज लिख दूंगा, ठीक है, टू डूज
कंपोनेंट एचटीएमएल हो गया हमारे पास, यहाँ पे भी क्या आएगा, टू डूज, ठीक है। ये हमारे पास हो गया टू डूज कंपोनेंट, सीएसएस में कुछ भी पास कर सकते हो। एचटीएमएल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड का, ठीक है, पी टैग में हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हेलो वर्ल्ड। अब मैंने ये सारे बना लिए फाइलें, लिंकिंग चेक कर लेते हैं। हमारी टू डो डॉट कॉम्पोनेंट डॉट एच टी एम एल है, जब ये फाइल कॉल होगी, अब बारी आती है कि अब ये फाइल ग्लोबली कैसे मैं लोगों को एसेस करवाऊंगा कि भाई इसका इसका कंपोनेंट ये वाला जो सिलेक्टर है कहीं पे यूज कर लो, ठीक है। तो उसको बताने के लिए हमें ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर इसको हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको इम्पोर्ट करेंगे पहले, इम्पोर्ट, ठीक है ना, क्या नाम है इस फाइल का, टू डू कॉम्पोनेंट, ठीक है, टू डू से रजिस्टर हो गया। और इस टू डू कॉम्पोनेंट को क्या करेंगे हम, डिक्लेरेशन के अंदर रजिस्टर कर देंगे। अब ये हमारा कॉम्पोनेंट ग्लोबली असेस करने के लिए तैयार है, करना कुछ नहीं है। जो हमारे पास इसका सेलेक्टर है, जो कॉम्पोनेंट टू डू के अंदर ये वाला सेलेक्टर है, आप एग्जाम्पल वाला, इसको मैं जस्ट कॉपी करूंगा और जहां मर्जी मेरे को किसी भी एच टी एम एल कॉम्पोनेंट में यूज करना, मैं यूज कर लूंगा। यहाँ पे क्या कर लूंगा, मैं इसको यूज कर लूंगा, ठीक है। इसको मैंने ऐसे पेस्ट किया और ऐसे चलाया, ठीक है, ये रेडी हो गया। उसके बाद मैं सीधा गया अपनी एंगुलर ऐप पे, तो यहाँ पे एंगुलर ऐप मेरी बनी हुई है। ठीक है, यूआरएल मैंने कुछ कॉपी करना है, कॉपी लिंक, ठीक है, ये मैं गया यहाँ पे और मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड भी आ गया साथ में। तो ये ग्लोबली मैं एक्सेस कर सकता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट को बनाना है, ठीक है। तो ये एक आपको बस, अब क्या करोगे, हर एक कंपोनेंट बनाते जाओगे, इसमें एचटीएमएल लिखी, सीएसएस लिखी, अपना लॉजिक लिखा और इसको कॉल कर लिया आपने ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में, खत्म, ठीक है। उसके बाद कई बार होता है कि अब ये कंपोनेंट को मैंने एक राउटिंग देनी है कि ये वाले राउट पे ये वाला कंपोनेंट चले, ये वाले राउट पे ये कंपोनेंट चले, है ना। उसके लिए भी होता है डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, तो वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा कि एक्चुअल में किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। और चीज देख लेते हैं, और कुछ मेंशन है, ठीक है। इसमें हमने एचटीएमएल टेम्पलेट के बारे में बता दिया, ठीक है। एचटीएमएल टेम्पलेट डिफाइंस द कंपोनेंट स्ट्रक्चर एंड द कंटेंट, इट कैन बी ऑन एनी वैलिड एचटीएमएल कोड, एंगुलर स्पेसिफिक सिंटैक्स सच एज बाइंडिंग इंटरएक्टिव। ये तो सिंपल आपने एचटीएमएल बना दी, बाकी इसमें किस तरीके से डायनामिक करना है डाटा। अगर मैंने सपोज मान लो कॉम्पोनेंट डॉट टी एस फाइल में कुछ लिखा है और मुझे गेट करना है हमारे एचटीएमएल टैग में, तो वो किस तरीके से कॉलिंग होती है, डाटा बाइंड कैसे होता है, वो चीज भी मैं आपको फर्दर बताने वाला हूँ। तो टुगेदर दीज थ्री फाइल्स डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड द बिहेवियर ऑफ द एंगुलर कॉम्पोनेंट। ये थ्री फाइल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्ट्रक्चर और डिफाइन कॉम्पोनेंट के डिफाइन करने के लिए एंगुलर के, ठीक है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी किस तरीके से कॉम्पोनेंट बनाना है अभी के लिए, ठीक है, और किस तरीके से हम इसको कॉल कर सकते हैं किसी और कॉम्पोनेंट में। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अब क्या कहते हैं, इनलाइन कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।